दोस्तों आज आप सभी इस वीडियो में देखने वाले हो कि किस तरह से पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई किया जाता है। दोस्तों वोटर आईडी कार्ड वैसे तो अप्लाई ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया से की जाती है। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आप खुद ही इसको ऑनलाइन तरीके से खुद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों इसमें जो सबसे इजी तरीका है वो है ऑनलाइन तरीका, क्योंकि ऑनलाइन तरीके में आपको कहीं पर आने जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है और उसी के साथ में ऑनलाइन ही BLO वगैरह जो अधिकारी हैं इसकी रिपोर्ट भी लगाते हैं। ऑनलाइन ये बनकर तैयार हो जाता है और साथ में इसको आप ऑनलाइन तरीके से डाउनलोड भी कर पाते हैं डिजिटल तरीके से, और उसके बाद में जब बन जाता है तो ये बाई पोस्ट बन करके आपके घर के पते पर सेंड भी कर दिया जाता है। दोस्तों जो ऑनलाइन तरीका है ये सबसे बेस्ट तरीका है, और अगर आप इसको ऑफलाइन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने BLO को अपना डॉक्यूमेंट और फोटो वगैरह सेंड करेंगे, दे देंगे, तो वो लोग इसको अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको ऑनलाइन तरीके से वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने का फुल कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करिएगा स्टार्ट से एंड तक। इस वीडियो में दी गई जानकारियाँ सभी सही और जेन्युइन रहेगी, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वोटर आईडी कार्ड में चाहे अप्लाई करना हो या फिर करेक्शन करना हो तो उसके लिए दोस्तों आपको वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, वोटर हेल्पलाइन लिखकर जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने वो एप्लीकेशन आ जाता है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो एप्लीकेशन को इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत निर्वाचन आयोग। दोस्तों आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर वोटर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वोटर से जुड़ी हुई सारी सर्विस आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर आपको इसमें करेक्शन करना है तो यहाँ से कर पाएंगे, और अगर आपको नया अप्लाई करना है तो यहाँ से आप कर पाएंगे। दोस्तों आपको करेक्शन में यहाँ पर चाहे आपको उसमें कुछ भी करेक्ट करना हो या फिर आपको रिप्लेसमेंट करना हो, आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया हो या उसमें आपने कोई नया सुधार किया हो, तो दोबारा से आप वोटर आईडी कार्ड को मंगा सकते हैं। दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपको न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर मोबाइल नंबर, एक OTP और एक पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन आ जाता है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपना एक मोबाइल नंबर देना है और सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप मोबाइल नंबर दे करके यहाँ पर OTP के लिए सेंड करते हैं OTP, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक OTP फिल करना होता है और आपको यहाँ पर एक पासवर्ड फिल करना होता है। तो उसके बाद में दोस्तों आपको लॉगिन नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों पासवर्ड अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप न्यू यूजर पर क्लिक करके आप अपना पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में जो भी आप पासवर्ड को सेट करेंगे उसी पासवर्ड को उसके बाद में यहाँ पर आपको फिल करना होता है। दोस्तों यहाँ पर सिंपली हम OTP और पासवर्ड को फिल करके लॉगिन नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर OTP फिल कर दिया और पासवर्ड फिल करके लॉगिन नाउ वाले ऑप्शन पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे सामने सेम वही पेज आ जाता है। तो यहाँ पर हम पासवर्ड को सेव कर लेते हैं या फिर नहीं करते हैं। उसके बाद में हमें न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है दोबारा से। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो माय नेम इज वोटर मित्र, उसके बाद लेट्स स्टार्ट का नीचे ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ पर लेट्स स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है यस आई एम अप्लाइंग फॉर फर्स्ट टाइम, तो हमने अप्लाई करने के लिए फर्स्ट टाइम ऑप्शन चुना है, तो यस वाला यहाँ पर हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट बार ही अप्लाई कर रहे हैं। देन उसके बाद में आपको अपने स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, तो जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद में अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो। उसके बाद में आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी, आप अपनी यहाँ पर विधानसभा को सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपकी विधानसभा होगी आप अपने विधानसभा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो मेरा विधानसभा है वो इसौली है, तो मैं सिंपली यहाँ पर इसौली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को हमें यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है, तो जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आप अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर 2005 तक जो डेट ऑफ बर्थ जिनकी भी होगी वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमें हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2004 है, तो मैं 2004 को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और देन उसके बाद में आपको सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन में आ जाना है। आप जो भी डेट ऑफ बर्थ के लिए आप जो डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इंडियन पासपोर्ट है, आधार भी है, तो यहाँ सिंपली हम आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं।
दोस्तों जो सबसे अच्छा जो डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो आपका आधार कार्ड होने वाला है। तो सिंपली हम यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद में यहाँ पर दिया गया अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। तो हमें सिंपली यहाँ पर अपने आधार कार्ड का जो बर्थ जो जन्मतिथि का फ्रंट पेज है उसको हमें यहाँ पर अपलोड कर देना है। देन उसके बाद में सिंपली हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इतना करते ही आपको यहाँ पर अपलोड पिक्चर का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो भी जेंडर होगा मेल फीमेल को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नेम और नेम हिंदी में इंग्लिश में दोनों में टाइप करना है। दोस्तों आप इंग्लिश में टाइप करेंगे हिंदी में वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक्स है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पर जो हिंदी है कन्वर्ट होकर के ना आए तो आप खुद ही वहाँ पर हिंदी से खुद ही आप अपना वहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आपका सरनेम है तो आप सरनेम में भी फिल करेंगे, जैसे एग्जांपल में किसी का नाम है राजेश कुमार तो फर्स्ट नेम में राजेश लिखेगा और सेकंड में वो कुमार लिखेगा। अगर किसी का सिंगल नेम है दोस्तों ओनली वो राजेश फर्स्ट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर नेम वाले ऑप्शन में अपना नेम टाइप करेगा और सरनेम को वो छोड़ देता है। अगर दोस्तों किसी का नेम में जो है तीन वर्ड है यानी राजेश कुमार यादव कुछ इस प्रकार से है तो वो फर्स्ट वाले में यहाँ पर राजेश कुमार लिखेगा, सरनेम में यादव लिखेगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर फिल करेंगे। देन उसके बाद में आपको अपने आधार डिटेल्स का आधार नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट में भी आधार कार्ड दे रहे हैं। अगर आप किसी और डॉक्यूमेंट को दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इस बॉक्स को आप चिन्हित करेंगे तो आपको यहाँ पर आधार नंबर फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। और दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर दे देना है, और आप चाहें तो रिलेटिव का अपने फादर वगैरह या फैमिली में किसी का मोबाइल नंबर दे सकते हैं। और यहाँ पर जो नीचे यहाँ डिसेबिलिटी का जो ऑप्शन आ रहा है इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। देन उसके बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इतना करते ही आपको रिलेशन टाइप में अपने फादर या मदर को सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप अपने वाइफ वगैरह को या फिर किसी लीगल गार्जियन को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं फादर वाले ऑप्शन पर टिक रहने देता हूँ, और नीचे आ जाना है हमें अपने रिलेटिव का नेम यहाँ पर फर्स्ट लास्ट नेम जो भी होगा उसे उसी प्रकार से फिल करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इतना करते ही आपको यहाँ पर अपना हाउस नंबर फिल करना है और अपनी स्ट्रीट गली मोहल्ला रोड जो भी होगा आपको यहाँ पर फिल करना है हिंदी इंग्लिश में। देन उसके बाद में आपको टाउन विलेज का नेम यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पर अपने पोस्ट ऑफिस को फिल कर देना है। देन उसके बाद में आपको अपने पिन कोड को तहसील मोहल्ला मंडल जो भी होगा आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने तहसील को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको दोस्तों सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ वाले ऑप्शन में आ जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस प्रूफ में आप बहुत सारा चीज़ दे सकते हैं, जैसे गैस कनेक्शन, आधार कार्ड, करंट पासबुक, इंडियन पासपोर्ट, या फिर यहाँ पर रजिस्टर्ड रेंट लीज जो भी है, रजिस्टर्ड सेल डीड जो है, यहाँ पर वाटर कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कुछ इस प्रकार के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आधार कार्ड को ले लेता हूँ, और उसके बाद में सिंपली हमें यहाँ पर अब जो भी आधार कार्ड को हमने लिया है तो बैक साइड जो होता है, अभी हमने फ्रंट अपलोड किया, अब बैक साइड आपको जिसमें एड्रेस वगैरह लिखा है उसको हमें यहाँ पर अपलोड कर देना है। ऊपर सारी डिटेल्स को एक बार फिल कर लिया है, आप यहाँ पर एक बार चेक भी कर सकते हैं, अपना मकान संख्या, अपना विलेज नेम, और यहाँ पर टाउन नेम वगैरह, पोस्ट ऑफिस वगैरह, पिन कोड वगैरह आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। सब कुछ अगर सही है नीचे आपको यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड का बैक साइड यहाँ पर अपलोड कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका प्रीव्यू आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको रिलेशन टाइप में फादर को सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद में आप फैमिली मेंबर में फादर का नेम यहाँ पर फिल करेंगे, और उसके बाद में नीचे आप चाहें तो यहाँ पर फादर का जो एपिक नंबर है यानी कि वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर है यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आप नहीं फिल करना चाहते या फिर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने जैसे कि ऊपर आपने अपने रिलेशन में फादर वगैरह को सिलेक्ट कर लिया है, अगर आप यहाँ पर रिलेशन टाइप में किसी और के साथ रह रहे हैं तो यहाँ पर उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मदर को, वाइफ को, लीगल किसी गार्जियन को, या फिर गुरु को भी आप इसमें थर्ड जेंडर के रूप में आप यहाँ इसको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम किसी और को नहीं, यहाँ पर सिंपली हम फादर को ही सिलेक्ट रहने देते हैं, और उसके बाद में सिंपली हमें नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों इतना करते ही आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका यहाँ पर स्टेट जो है ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। देन उसके बाद में अपने विलेज का जो नेम है आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और उसके बाद में जो भी डेट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी, आपको ओनली सिलेक्ट ही करना है जो जिस डेट को आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो 13/1/2023 को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे देख सकते हैं, नीचे आपको प्लेस ऑफ एप्लीकेशन में अपने जो गांव का नेम है उसको आपको यहां पर फिल कर देना है।
तो हम सिंपली अपने गांव का जो नेम है यहां पर फिल कर देंगे। दोस्तों इतनी डिटेल्स आपको यहां पर फिल करना है, यहां पर डिस्ट्रिक्ट को, बिलेस्टाइन टाउन को और ये जो डेट है इसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नेम आपका ऑटोमेटिक फिल रहेगा। यहां पर आपको प्लेस ऑफ एप्लीकेशन, आप जिस जगह से इस एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं, दोस्तों मैं अपने गाँव से ही इसको फिल कर रहा हूँ तो अपने गाँव का नेम यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद में सिंपली डन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर फॉर्म 6 का प्रीव्यू आपके सामने आ जाता है, आपको सिंपली एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको नीचे दिए गए कंफर्म बटन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं सिंपली एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों मैंने सब कुछ चेक कर लिया, मेरा सब कुछ सही है, यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक नहीं है, सिंपली कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे ही हमने कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो आपके सामने एक रेफरेंस नंबर ग्रीन कलर का हाईलाइट होकर के आ जाता है, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने रेफरेंस नंबर आ जाता है। उसी रेफरेंस नंबर से बाद में आपको ट्रैक करना है, चेक करना है आपका स्टेटस कि जो आपका वोटर आईडी है वो कहां तक उसको जो वेरीफाई किया गया है, किस स्टेप तक अभी वो पहुंचा है, बनकर रेडी हो चुका है या फिर नहीं। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दिया किस तरह से वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई किया जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार की हेल्पफुल और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।